सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत नए वर्ष की बधाई शुभकामनाएं। आपके लिए यह नया वर्ष मंगलकारी हो। जिस तरीके से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की योजनाओं ने काम किया, आम जनता के लिए चाहे चिरंजीवी योजना की बात करें, चाहे गैस की टंकी की बात करें, और जब से 2023 में बीजेपी सरकार आई है, जो मोदी जी गारंटी देकर गए थे वो लगातार नाकाम होती जा रही है। किसी भी प्रकार से आम जनता की जो मुहानों को बंद करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएगी राजस्थान में। और जो सरकार ने योजनाएं बनाई थी मुख्यमंत्री जी आम जन योजना, वो बंद होने जा रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। देखिए मारवाड़ की उपेक्षा कर दी है, कितनी सीटें मारवाड़ ने जीता था बीजेपी सरकार के, कितने मुख्यमंत्री, तो हम तो इसका बहुत विरोध करते हैं कि मारवाड़ की जनता ने अगर आपको जनादेश दिया है, आपको आशीर्वाद प्रदान किया है, तो इतने मंत्रिमंडल में भी आने चाहिए, कैबिनेट में भी बनने चाहिए, ताकि हमारे मारवाड़ का विकास लगातार जारी रहे। देखिए बीजेपी का तो काम हमेशा नाम परिवर्तन कर दिया है। जब राजीव गांधी सेवा केंद्र चल रहे थे, जब पोर्टल सेवा केंद्र के नाम से परिवर्तित कर दिया गया, हमारे अशोक उद्यान को सम्राट अशोक उद्यान के नाम से परिवर्तित कर दिया गया, तो ये लोग केवल नाम परिवर्तन का काम करते हैं। कोई नई योजना इनके पास नहीं है, कोई नया विकास नहीं है, कोई जनता के लिए नई योजना है। और जिस तरीके से चिरंजीवी का गला आम जनता के लिए जो एक स्वास्थ्य योजना बनाई गई है, उसका गला घोटने का काम लोकसभा में राजस्थान में कोशिश करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये तो राजनीति करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के नाम पर, राम के नाम पर। राम हम सबका है, राम सबके लिए है। हम भी आज हमारे मारवाड़ में अगर किसी का अभिवादन करते हैं तो राम राम सदा ही है। ये केवल राम का यूज लेकर, क्योंकि आदर्शों की बात नहीं करते, राम ने किस तरीके से त्याग तपस्या वो बात नहीं करते, इसका नाम लेकर वोट कमाने की बात करते हैं। आने वाले चुनाव में हम संघर्ष करेंगे, और जिस तरीके से राजस्थान में ये योजनाएं बंद कर रहे हैं, उसी के योजनाओं के आधार पर जनता को जताया जाएगा वोट। देखिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का, अभी राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, सन्यासी और धर्मात्मा लोग कह रहे हैं अधूरे राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत गलत है। इस संस्कृति के विपरीत कार्य कर रहे हैं, और इनको केवल लोगों को लुभाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। और आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।